अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये फाइनल पेपर है साइकोलॉजी का 2022 का, फर्स्ट ईयर का। तो इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन इट्स फेवर। साइकोलॉजी की सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी है, उसकी फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दें। ठीक है, तो जाहिर है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इसकी फेवर में आर्ग्यूमेंट्स यही थे कि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, बिहेवियर एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, तो इसमें मतलब आप कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट और ये ऑब्जर्वेशन या फिर किसी भी तरह सर्वे करके किसी का बिहेवियर आप देख सकते हैं। उसके बाद है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या जॉब होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ वेरिएबल, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटरमीनिंग वेरिएबल्स, इनकी डेफिनेशन और साथ एक एग्जांपल भी बतानी होगी। एक्सप्लेन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इनको। तो ये सेंसरी मोटर जो है ये न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। अच्छा, एक चीज़ है सेरिब्रम और एक है सेरिबेलम, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके आंसर गलत लिख कर आते हैं, इसकी कंफ्यूजन मेरा रहेगा। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। तो इसमें आपने लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो अटेंशन के। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन स्लीप मोटिव, एक छोटा सा नोट लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इन दोनों का डिफरेंस बता दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद है राइट मेथड्स इन ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे कोप कर सकते हैं, उसे कुछ मेथड्स लिखने हैं, उनको दो दो तीन तीन लाइनों में आपने बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस एंड इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स, ये भी डिफरेंस में आ जाता है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम, नेम वेरियस मेथड्स यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। आपने पढ़ा था ग्रुप डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग और बहुत से मेथड इसमें पढ़े थे, जो ये थिंकिंग का चैप्टर था, तो ये उसमें से कोई ना कोई एक जो आपको बेहतर लगे आप उसको बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक्स ये भी आते थे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज़ परसेप्शन, राइट वेरियस का स्टार लॉज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड व्हाट इज़ कंडीशनिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ओपन कंडीशनिंग, या फिर व्हाट इज़ इमोशन, एक्सप्लेन जेम्स लिंच थ्योरी ऑफ इमोशंस।